मैं जा रहा हूँ पिज्जा पराठा। तो हमने रोटी पतली बेल ली है और हमने रोटी कोन का वेजी स्टफिंग बना लिया है और बटर चाहिए और हमने बेसन में थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया है, पिज्जा सॉस, चीज। अब हम रोटी को एक तवे पे डालेंगे, गरम तवे पे डाल। मैं सिंपल तवा यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नॉन स्टिकी तवा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको पलटाएंगे। अब हम इस पे थोड़ा बटर डालेंगे। स्प्रेड करेंगे बटर रोटी पे। वन साइड से अच्छे से सेक लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। वापस हम पलटने के बाद दूसरे साइड भी बटर स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बटर यूज करूंगा। हम इस पे हमारी स्टफिंग डालेंगे, ये देखिए। इसको भी स्प्रेड करना है, इसको भी पूरी स्टफिंग को सिम पे ही करना है। इधर हमने सारी स्टफिंग को स्प्रेड कर लिया है। स्टफिंग आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वेजी वाले यूज करूंगा, मुझे वेजी बहुत पसंद है, मिक्स वेजी बहुत पसंद है। अब हम हमारा बेसन में जो उसको भी स्प्रेड कर देंगे, बेसन का पेस्ट स्प्रेड कर देंगे, ये देखिए। पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे। हम इसको पलट दिया है। अब हम इसके बैक साइड थोड़ा सा बटर लगा देंगे। कॉर्नर्स पे भी बटर लगाना है ताकि ये चिपके ना, और बैक साइड भी बटर को स्प्रेड करेंगे। देखिए बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और इसका कलर भी अच्छा है। इस तरह हम इसको अच्छे से सेक ले और अब हम इसको पलट देंगे अच्छे से। देखिए इतना अच्छा दिख रहा है। अब हम इस पर हमारी पिज्जा सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसको। कॉर्नर्स पे भी स्प्रेड कीजिए। अब हम इस पे चीज डालेंगे। हमने चीज को स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसको लिड से 2 मिनट तक कवर कर लेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिड निकालता हूँ। हमारा चीज मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसको कट करेंगे। सेम पिज्जा की स्मेल आ रही है। अगर आपको ऊपर से टोमेटो सॉस या केचप डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। ये देखिए ये बहुत टेस्टी लगता है, आप ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा बना है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।